सो so गाइस अगर आप जीएसटी में किसी एग्जम्पन कैटेगरी में फॉल करते हो और आप ऑब्वियसली फिर जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते बट अगर आप आई फाइल करते हो तो हो सकता है अभी आपको नोटिस आ जाए ऑल दो ये अपडेट पहले ही आ चुकी थी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डाटा शेयर किया जाएगा बट आज मेरे पास एक लेटेस्ट अपडेट है एज ऑन 26 जुलाई तो इसको प्लीज एंड तक देखना और लाइक करके शेयर करना उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो लिंक इज एनालिटिक्स अनकवर गैप्स इन फाइलिंग और ये लेटेस्ट अपडेट है बिकॉज द सेवरल कंपनीज एंड इंडिविजुअल हु मे हैव एवॉइडेड पेइंग टैक्सेज हैव कम अंडर दैन लेंस फॉलोइंग एंड इलेबोरेट इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डाटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग एंड रोबोट डाटा शेयरिंग बिटवीन वेरियस टैक्स अथॉरिटीज कहने की बात यही है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स वाले डाटा शेयर कर रहे हैं दी गवर्नमेंट हैज यूज स्टेटिस्टिक ऑफ द लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर और डेटा शेयर कर रहे हैं उसमें इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट हैज इशुड नोटिस टू सेवरल इंडिविजुअल्स And companies in July after it found discrepancies in their income tax and indirect tax filings. In the past, the direct tax and the indirect tax department operated independently and would not share data. Data share, kar rahe the, but update I think ye data share. Karenge. However, the government big data push in the last couple of years has meant that both departments have been sharing data. ज ऑल्सो लेड टू डीपर एनालिसिस एंड मोर टैक्स नोटिस एंड स्क्रूटनी आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं लाइक नोटिस है तो जीएसटी में फॉल कर ही नहीं रहे इनको टैक्स पे नहीं करना है बट इनको भी नोटिस आ रहे हैं और बोला जा रहा है दैक्स नोटिस ने क्या लिखा है उसमें इफ द रेसिपेंट फोल्स अंडर एनी एग्जेप्टेड कैटेगरी सच एज लॉयर्स ITR तो फाइल कर रहे हैं अब जीएसटी तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा उनके ऊपर रिगार्डिंग एंड नोट पे टैक्सेस तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि उनको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ उनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है सो so, अगर अभी कोई मिसमैच होगा आईटीआर और जीएसटी रिटर्न में तो नोटिस आपको डेफिनेटली आने वाला है तो प्लीज उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो तो आई आई होप एंड बिलीव कि आपको ये रेलेवेंट लगेगी आप इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे अपने क्लाइंट्स को अवेयर कर दोगे कि आपको कैसे काम करना है और क्या डेटा मेंटेन करके रखना है और क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है अभी तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करके शेयर करना वेरी मच नाइस डे बाय